पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वार्डो की मतदाता सूचियों में मतदाताओं में बड़े अंतर को ज्यादा मौत की वजह बताने का जवाब देने के मामले में थानेसर नगर परिषद खुद उलझ सकता है। इसको लेकर केवल वार्ड 21 से ही 15 लोगों ने अलग अलग आरटीआई लगाई है। इन आरटीआई में वार्ड नंबर 1 से 31 तक जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक वार्डवासियों की मृत्यु का ब्यौरा मांगा गया है। इतना ही नहीं, कई आरटीआई आवेदकों ने पति की 21 और पत्नी की 23 वार्ड में वोट बनाने को लेकर भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि थानेसर नगर परिषद की ओर से वार्ड 21 में 2039 मतदाता दिखाए गए हैं, जबकि वार्ड 23 में मतदाताओं की संख्या 6089 है। इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जवाब भी दिया जा चुका है। वार्ड नंबर 21 निवासी राजेश बंसल ने कहा है कि थानेसर नगर परिषद ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वार्डो की मतदाता सूची में इतने मतदाताओं के अंतर का कारण वार्डवासियों की मौत होने का कारण बताया है। हाईकोर्ट में नगर परिषद की ओर से जो जवाब दिया गया है वह अजीबोगरीब है। ये बताया गया कि जिन वार्डों में ज्यादा मृत्यु हुई है उन्हीं वार्डों में मतदाता कम है, जबकि जुलाई अगस्त 2022 में जारी की गई वार्ड वाइज जनसंख्या में वार्ड 21 की जनसंख्या 4709 और वार्ड 23 की जनसंख्या 4948 दिखाई गई है। वहीं दिसंबर 2022 को जारी तीसरी वोटर लिस्ट में वार्ड 21 में 2039 वोटर और वार्ड 23 में 6089 वोटर दिखाए गए हैं। इसलिए जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक इन वार्डों में हुई मृत्यु का डाटा मांगा गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने आरटीआई लगाई है उनमें वार्ड नंबर 21 निवासी विशाल ने भी आरटीआई लगाई है, जिसमें पूछा है कि वह और उनकी पत्नी पुष्पा रानी दोनों वार्ड 21 में एक ही घर में रहते हैं, तो उनकी वोट वार्ड 21 में और उनकी पत्नी की वोट वार्ड 23 में कैसे बना दी गई, उन्होंने इसका आधार पूछा है। इसी तरीके से वार्ड 21 निवासी अजय बंसल ने भी यही सवाल पूछा है कि वह और उनकी पत्नी वार्ड 21 में रहते हैं, तो उनकी पत्नी की वोट वार्ड 23 में किस आधार पर बनाई गई है। इसके अलावा अजय कुमार, अमन बंसल, सुषमा रानी, कपिल कुमार, सागर गोयल, जसपाल गोयल, नरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, संदीप कुमार, आशीष गर्ग और महावीर गर्ग ने भी इसी तरह आरटीआई लगाकर स्वजनों की वोट दूसरे वार्ड में बनाने का आधार पूछा है। गौरतलब है कि थानेसर नगर परिषद में वार्डबंदी और वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब बीते दिन लोक संपर्क विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसके माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार नगर परिषद थानेसर की मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 13 अप्रैल तक तैयार किया जाएगा और 17 अप्रैल से दावे व आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। इस नगर परिषद थानेसर की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 मई 2023 को किया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार कहा गया कि हरियाणा चुनाव आयोग के आदेशानुसार नगर परिषद थानेसर की मतदाता सूचियों को तैयार किया जाना है, इसीलिए नियमानुसार नगर परिषद थानेसर के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 13 अप्रैल 2023 तक तैयार किया जाएगा। इन वार्ड वाइज सूचियों का प्रकाशन करने के बाद 17 अप्रैल 2023 से दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जानी है। इन मतदाता सूचियों के लिए 21 अप्रैल 2023 तक रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि होगी। ये दावे व आपत्तियां नगर परिषद थानेसर के कार्यालय में जमा करवाई जा सकती हैं। 2 मई 2023 को दावे व आपत्तियों का रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा निपटान किया जाएगा। इसके बाद 5 मई 2023 को रिवाइजिंग अथॉरिटी के आदेशों के बाद उपायुक्त के पास दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि होगी। इन दावे व आपत्तियों को उपायुक्त द्वारा 10 मई 2023 तक निपटारा किया जाएगा। इन दावे व आपत्तियों को ठीक करने के बाद नगर परिषद थानेसर की फाइनल फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन 15 मई 2023 को किया जाएगा। नगर परिषद थानेसर की मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर को रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सभी 31 वार्डों के लिए अलग अलग अधिकारी को सहायक रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है, जिनमें वार्ड नंबर 1 से 3 के लिए बीडीपीओ थानेसर, वार्ड 4 से 6 तक जिला रोजगार अधिकारी, वार्ड 7 से 9 के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ डिवीजन नंबर 1, वार्ड 10 से 12 के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ डिवीजन नंबर 4, वार्ड 13 से 15 के लिए सिंचाई विभाग के एसडीओ, वार्ड 16 से 18 के लिए पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 1 के एसडीओ, वार्ड 19 से 21 के लिए एसडीईओ
वार्ड 22 से 24 के लिए पंचायती राज थानेसर के एसडीओ, वार्ड 25 से 27 के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के एसडीओ, वार्ड 28 से 29 के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड डिवीजन नंबर 5 के एसडीओ, वार्ड 30 से 31 के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड डिवीजन नंबर 6 के एसडीओ शामिल है। थानेसर नगर परिषद की मतदाता सूचियों को जो लेकर शेड्यूल जारी किया गया है उसको लेकर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ चुके राजेश बंसल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं पूर्व पार्षद मन्नू जैन ने भी इस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी राजेश जी, मैं राजेश बंसल वार्ड नंबर 21 थानेसर नगर परिषद चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और पिछले 5 साल से अपने वार्ड में पूरी तरह से सक्रिय हूं और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत वार्ड नंबर 21 की करीब 200 से वोटें काट कर दूसरे वार्ड में डाल दी गई हैं और 200 के करीब वोटें अपने चहेतों के जो वार्ड में भी नहीं रहते, वार्ड में क्या वो हरियाणा में नहीं रहते, कुछ लोग तो पंजाब या राजस्थान में रहते हैं और कुछ सेक्टरों वगैरह में रहते हैं और उनकी वोट 21 वार्ड में जोड़ दी गई है। उसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर कोई जवाब आया? हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अभी ईओ साहब ने उसका हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि 21 वार्ड में वोटें इसलिए कम हो गई हैं कि यहाँ पर लोगों की डेथ ज़्यादा हो गई है, इसलिए 21 वार्ड की वोटें कम है। मतलब कि उन्होंने एक अजीबोगरीब जवाब दिया। जब हमने उनसे ये पूछा भाई हस्बैंड की वो वार्ड 21 में और वाइफ की वोट वार्ड 23 में है, इसके बारे में उन्होंने कोई हाईकोर्ट में जवाब नहीं दिया। तो राजेश जी, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग तो यह भी जो वार्ड में लोग रहते हैं जिनकी 200 वोटें काटी गई हैं उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और जो वार्ड में नहीं रहते और जिस वार्ड में वो रहते हैं उनकी वोट वहां शिफ्ट की जाए। मनोज जी, कुछ समय पूर्व शहर की वार्डबंदी और वोटर लिस्ट को लेकर याचिका डाली गई थी जिसमें आपका भी आपकी ओर से भी डाली गई थी और अब नया वोटर लिस्ट को लेकर एक शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें जो लोग नई वोट बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी और जिनकी वोट कुछ गलती रह गई हुई उसे ठीक करने का मौका दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, कोर्ट ने हमारी बात सुनी और लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी वोट चेक करें और अपने अपने वार्ड में बनवाएं। तो आपने जो याचिका डाली थी उसमें मुख्य शिकायत क्या थी? वार्ड 30 में जैसे आप चुनाव लड़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वार्ड नंबर 30 में किस प्रकार की जो समस्या थी वार्ड बंदी को लेकर या वोट को लेकर? वार्ड बंदी की तो मतलब बिल्कुल गलत है, मैं आज भी कह रहा हूँ इसमें असली बात तो आई नहीं। मेरी तो आज भी ये कहना कि वार्ड ठीक करें सारे। कुछ वार्डों के अंदर तो 2000 वोट हैं, हमारी चेयरमैन साहब के उसमें 1900-2000 वोट हैं, मुकंद भाई साहब हैं उनके घर में 2000 वोट हैं, किसी में 6000 वोट हैं, किसी में 5000 वोट हैं। अगर विधायक ने अपने मतलब परिवार के हिसाब से वार्ड बनवाने हैं तो अपने घर घर की वोट बनवा ले, चुनाव कराए। वार्ड भी ठीक होने चाहिए, वोटर लिस्ट तो ठीक होएगी होएगी, वार्ड भी ठीक होने चाहिए, वार्ड बंदी दोबारा होनी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 28 नंबर वार्ड है, 28 नंबर वार्ड को अगर आप देखोगे तो 28 नंबर वार्ड को इस तरीके से बनाया गया कि उसके अंदर 4 वार्ड बने, वार्ड बनाओ डब्बों में कि जिससे पार्षद को भी आसानी रहे, चेयरमैन को भी, एमएलए साहब को भी आसानी रहे। ये नहीं कि जो कोई गया अपने हिसाब से गली उसमें जोड़ दो उस गली में जोड़ दिए, गलत है बिल्कुल। वार्ड बंदी भी ठीक होनी चाहिए, वोट भी ठीक होने चाहिए, वार्ड बंदी भी ठीक होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और इस बात को रखेंगे हम अपनी, ये थोड़ी ना कि भाई अपना वोटर तो सारे के सारे हर वार्ड का हर वोटर अपनी वोट पर ध्यान दे कि भी मेरी वोट मेरे वार्ड में होनी चाहिए। और मेरी एक और भी है, मैं जो भी इन वोट को बनाएगा कोई अधिकारी है या बीएलओ है कोई भी है वो इनको ध्यान से बनाए। हम इस बार बाई नेम उनकी शिकायत करेंगे अगर उन्होंने गलत करा तो। गोयल साहब, आप जो नगर परिषद थानेसर की मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकों को और कुरुक्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। इस विषय में मेरा ये कहना है कि जैसा कि सबको पता है कि कुरुक्षेत्र
थानेश्वर नगर परिषद की जो वार्ड वाइज वोटर लिस्ट बनाई की थी 5 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी, उसको लेकर शहर के अंदर काफ़ी भ्रांतियां थी और इसी बात को लेकर विवेक मेहता व अन्य मनु जैन, शेंकी, इन लोगों ने, राजेश बंसल, इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उस याचिका के अनुसार 4 मई तक यह आदेश दिए गए थे कि चुनाव का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा। आज जैसा कि आप बता रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा ये जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यायालय के अंदर इन पांचों याचिकाकर्ताओं द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया था, उस पे वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। मेरी एक दो याचिकाकर्ताओं से इस बीच में बात भी हुई है और वो इस बात से संतुष्ट हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि जो वोटर लिस्ट तैयार हो वो प्रॉपर हो, उसमें किसी को भी फेवर ना किया जाए, वो सब के लिए एक जैसी हो और जो व्यक्ति जिस वार्ड में रहता है, जो व्यक्ति जिस वार्ड का निवासी है, उस व्यक्ति को उसी वार्ड में उसी मतदाता सूची में नगर पालिका में नगर परिषद में शामिल किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये जो जिला प्रशासन के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया गया है और ये राज्य चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार जारी किया गया है, तो अब 13 अप्रैल से थानेश्वर नगर परिषद के सभी मतदाता अपना 1 जनवरी 2023 के अनुसार नया वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं और उसके अनुसार जो शेड्यूल जारी किया गया है, अब लगभग 15 या 17 मई को इन्होंने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी।